फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग शॉर्ट फिल्म तो बना लेते हैं लेकिन वो अटक जाते हैं उसके रिलीज़ में। वो सोचते हैं कि उसे रिलीज़ कैसे करना है, क्योंकि शॉर्ट फिल्म बनाना आसान है, उसे रिलीज़ करना उससे ज़्यादा मुश्किल है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि शॉर्ट फिल्म को आप कैसे रिलीज़ करेंगे ताकि आपको प्रॉफिट हो उससे और आपका रिकवरी भी आसानी से हो जाए। तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर मैं शॉर्ट वीडियोज़ डालता रहता हूँ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होती है, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। फॉलो करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं या फिर आपने एक शॉर्ट फिल्म बनाई हुई है, आपने उसे रिलीज़ नहीं की है, या फिर आपने रिलीज़ कर दिया है और आपको लॉस हो गया इसमें, तो आप इसके प्रॉपर रिलीज़ का तरीका जान लीजिए कि शॉर्ट फिल्म को आप प्रॉपरली कैसे रिलीज़ करेंगे। देखिए, होता क्या है कि अगर आप शॉर्ट फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ कर रहे हैं, एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि किस पर रिलीज़ करने से क्या होगा। अगर आप YouTube पर रिलीज़ कर रहे हैं तो YouTube पर जब आप उसे रिलीज़ करते हैं और आप एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, उसे YouTube पर रिलीज़ करना चाहते हैं और आपने एक नया YouTube चैनल बना लिया है, और नया YouTube चैनल बनाने के बाद आप उसमें उसे अपलोड कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उससे मुझे बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि YouTube चैनल जब नया रहता है तो उसमें अर्निंग करना बहुत ही मुश्किल होती है। कम से कम 1 ईयर लग जाते हैं एक YouTube चैनल को ग्रो करने में। तो जब तक वो आपका ग्रो होगा तब तक आपका शॉर्ट फिल्म पुराना हो चुका होगा। तो इसीलिए जब आप शॉर्ट फिल्म को बनाते हैं तो आपको नया YouTube चैनल बना करके उससे रिलीज़ नहीं करना चाहिए। आपको उसे किसी ऐसे यूट्यूबर के पास ले जाना चाहिए या किसी ऐसे यूट्यूबर से बात करनी चाहिए जिसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो, जिसका व्यूज़ अच्छे आते हों, और ऐसे सब्सक्राइबर्स होने चाहिए जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो। अब ऐसा नहीं कि जो टेक कैटेगरी है आप उनके पास चले गए या फिर कोई कुकिंग चैनल है उनके पास आप चले गए तो आपको फिर व्यूज़ नहीं आएंगे। जो एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं उनके पास आप ईमेल कीजिए उन्हें। आपको ईमेल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन का बॉक्स रहता है उसमें आप चले जाइए, उसमें उनका ईमेल आईडी दिया हुआ होगा। अगर उसमें नहीं है तो चैनल के जो अबाउट सेक्शन रहता है, अबाउट सेक्शन में उनका ईमेल आईडी दिया हुआ रहेगा। तो आप उन्हें ईमेल कीजिए। ईमेल में आप लिखिए कि मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है और आपके थ्रू उसे रिलीज़ करवाना चाह रहा हूं मैं। तो उसके बाद फिर जो आप उन्हें पेमेंट देना चाहते हैं, रेशियो जो देना चाहते हैं, जैसे आप 40-60 का रेशियो रख सकते हैं, 60% आप रखिए, 40% वो रखेंगे, तो इस तरीके का रेशियो आप कुछ डिवाइड कर सकते हैं बातचीत करके, एक दूसरे के साथ समझौता करके आप रेशियो डिवाइड कर सकते हैं, और रेशियो डिवाइड करने के बाद फिर आप लोग उसे रिलीज़ कर सकते हैं। तो अगर किसी बड़े यूट्यूबर के थ्रू आप रिलीज़ करवाएंगे उसे, जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, तो क्या होगा कि आपकी शॉर्ट फिल्म जो है उसे एक बड़ा रिलीज़ मिलेगा, उसे एक ग्रैंड रिलीज़ मिलेगा और वो अच्छी इनकम कर पाएगा। वरना अगर आप उसे नए YouTube चैनल पर डालेंगे तो आपकी शॉर्ट फिल्म चाहे जितनी भी अच्छी हो वो उतना कमाई नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक अच्छी शॉर्ट फिल्म बनाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको किसी बड़े यूट्यूबर से कॉन्टैक्ट करके उसे फिर रिलीज़ करवाना है। अब देखिए, अगर आप किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप उसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ करना चाहते हैं, तो नेटफ्लिक्स के लिए जो तरीका है वो है कि आपको नेटफ्लिक्स के मैनेजर से बात करनी होगी। नेटफ्लिक्स के मैनेजर्स जो है ये आपको कैसे मिलेंगे, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा कि नेटफ्लिक्स के मैनेजर से आपको कैसे कॉन्टैक्ट करना है। तो नेटफ्लिक्स के मैनेजर जो है उनसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, और कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उनसे बातचीत करनी है कि देखिए मैंने ये शॉर्ट फिल्म बनाई है, तो आप उसे रिलीज़ करें नेटफ्लिक्स पर। और जैसे आप उसे रिलीज़ करते हैं तो फिर पेमेंट भी उनके साथ डिसाइड हो जाएगा। और हाँ, एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आप उसे नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज़ कर पाएंगे, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स पर नहीं, क्योंकि नेटफ्लिक्स और नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स अलग अलग चीज़ें हैं। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स में जो पैसा रहता है, जो फिल्म मेकिंग का पैसा रहता है, वो लोग नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स खुद प्रोवाइड करता है। लेकिन नेटफ्लिक्स में क्या होता है कि आप कंटेंट प्रोवाइड करते, पूरी जो बनी बनाई फिल्म रहती है वो आप प्रोवाइड करते हैं, और फिर वो नेटफ्लिक्स जो है उसे रिलीज़ करती है। तो आपको नेटफ्लिक्स के एजेंट से बात करना है। आप नेटफ्लिक्स के मैनेजर से बात कर सकते हैं, एजेंट से बात कर सकते हैं। तो ऐसा आप करेंगे तो आपके शॉर्ट फिल्म को एक ग्रैंड रिलीज़ मिलेगा, आपके शॉर्ट फिल्म जो है वो अच्छे से रिलीज़ हो पाएगी और इनकम भी अच्छी करेगी और प्रॉफिट भी उससे आपको अच्छा होगा। और रिकवरी की तो आप बात छोड़ ही दीजिए, रिकवरी आपको बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि कैसे आपको अपनी शॉर्ट फिल्म को रिलीज़ करना है। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इस पुस्तक का नाम है कॉन्सेप्ट से स्क्रीन प्ले तक का सफर।
इस पुस्तक में आपको कॉन्सेप्ट, वन लाइनर स्टोरी, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, कैसे लिखी जाती है ये बताया गया है और सबके सैंपल्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो एक राइटर के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्क्रिप्ट राइटिंग के अलावा एक राइटर को स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन पर भी एक बुक है जिसका नाम है A to Z स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन। इस बुक में सभी तरह के स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन को विस्तार से बताया गया है, जैसे फेड इन, फेड आउट, डिजॉल्व टू, इंटरकट, जंप कट आदि। स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन दोनों ही बुक खरीदने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इन दोनों बुक्स को जरूर खरीद कर पढ़ें। दोनों ही बुक के प्राइसेज बहुत अफोर्डेबल हैं। आप इस बुक को खरीदने के बाद अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।